सो वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास जो आपका कक्षा आठवीं का यहाँ पर गणित का पेपर है, पूरा का पूरा हमारे पास रियल पेपर आ चुका है। सो गाइस यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो है पूरा पेपर का जो सॉल्यूशन बताने के लिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, हर एक जो क्वेश्चन है आपका उसका हम हल करके बताएंगे आपको, जो है बिल्कुल लिख कर आपके जो क्वेश्चन है पूरे पूरे टोटल 24 क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर 24 क्वेश्चनों के आंसर हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। देख लीजिए जो आपका पेपर है इस तरह का आने वाला है। सो गाइस यहाँ पर टोटल आपके 24 क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर 24 के 24 क्वेश्चनों के हम आपको आंसर इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से पूरे पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, जो आप अपनी जो जानकारी है वगैरह सभी अपने जो है जैसे आप पिछले पेपरों में भरते रहे उसी तरह भर देना है। सो गाइस यहाँ पर जल्दी से आप वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर चलिए अब आपके जो है पूरे पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न 1 से 10 तक है। यहाँ पर निर्देश से नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न पहला है परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है। जो परिमेय संख्या है इसका योज्य तत्समक क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सो गाइस आप उत्तर में क्या लिख देंगे, 0। सो गाइस हमने टिक भी कर दिया आपका, यहाँ पर लिख भी दिया है। चलिए आप दूसरा देख लेते हैं फटाफट। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए दूसरा आ जाता है आपका, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है समीकरण 2x-3=7 का एक हल होगा। सो गाइस अगर x बराबर जो है 5 रखेंगे तो इसका एक हल होगा। तो इस आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है x=5। फिर गाइस तीसरा आ जाता है √400 का मान होगा। √400 का मान कितना होगा आपका, 20 हो जाएगा। अगर आप √400 को हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 20। चलिए अब आ जाता है चौथा, चौथा निम्न में से द्विविमीय 2D आकृति है। सो इसमें आंसर हो जाएगा वर्ग। सो गाइस यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, वर्ग जो ए ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस आपका आ जाता है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन, 2^-3 का मान होगा। सो गाइस इसका मान जो होगा 1/8 होगा। सो गाइस आप उत्तर में क्या लिख देंगे, 1/8। सो गाइस ये आपका पांचवा का आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपका छठवां देख लीजिए फटाफट। सो गाइस जल्दी से यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। छठवां है 2q²-9q² के गुणनखंड होंगे, यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक 2p, यहाँ पर 2p-3q कोष्टक बंद और 2p+3q। सो गाइस ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हमने जो लिख दिया और गाइस यहाँ पर टिक भी कर दिया है। सो गाइस यही आपका राइट आंसर है। फिर गाइस आ जाता है आपका सातवां, घन में फलकों की संख्या होती है। जो घन है इसमें फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। सो गाइस आपको उत्तर हो जाएगा 6। फिर गाइस यहाँ पर आठवां आ जाता है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रायिकता है, कितनी है, यहाँ पर 1/6 है। सो गाइस अगर आप 5 प्राप्त करेंगे जो पासा है उसमें, सो गाइस आपकी 1/6 प्रायिकता होगी। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। फिर गाइस यहाँ पर आ जाता है नौवा, एक सम बहुभुज का वाह कोण 60 डिग्री है, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी कितनी, 6 होगी। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा 6, नौवीं का जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब नेक्स्ट दसवां देख लीजिए। तो गाइस यार जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो पूरा हर एक क्वेश्चन का आंसर है हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सो गाइस यहाँ पर दसवां है, 15x²y²z² / 45xyz का मान होगा। सो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, 1/3x²y²z². सो गाइस ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर दसवें का आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन से देख लेते हैं आपके, ये रहे क्वेश्चन से। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक, यहाँ पर निर्देश से नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर व्यतिरिक्तता के नियम के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, लिख लीजिए समीकरण दिया हुआ। चलिए इसको व्यतिरिक्तता के नियम से हल कर देते हैं, चलिए इसके उत्तर में लिख देते हैं। सो गाइस देख लीजिए हमने जो इसका उत्तर है पूरा पूरा लिख दिया है। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए 11वां का जो उत्तर है यहाँ पर इसका जो आंसर आ जाएगा 7/30 आ जाएगा। सो गाइस इसका ये हल हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर फिर 12वां आ जाता है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सो गाइस यहाँ पर आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर जो आपको इस समीकरण में एक्स लिखा दिख रहा है इसका आपको मान ज्ञात करना है। सो गाइस आप इस समीकरण को हल करेंगे तो गाइस यहाँ पर जो आपका एक्स का मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। सो गाइस जैसे हमने हल कर दिया आपको भी बिल्कुल इसी तरह हल कर देना। सो गाइस आपका मान 2 आ जाएगा। फिर गाइस 13वां आ जाता है, 13वां क्वेश्चन है,
यहाँ पर देख लीजिए, तिरमा का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ऊंची एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। सो गाइस ये आपका उत्तर हो जाएगा x बराबर 21 मीटर। सो गाइस आप जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दी है, आपको भी इसी तरह हिंदी में एक लाइन लिख देना, फिर जो है इसको हल कर देना। सो गाइस इसी तरह आप हल कर देना। चलिए अब आपके जो है 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस रहा आपका 14वां क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। सो गाइस यहाँ पर जो भागफल हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, 9 से भाग देने पर घन बन जाएगी। सो गाइस यहाँ पर पूर्ण घन प्राप्त होगा आपको अगर आप 9 से भाग देंगे। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए आपको इसका गुणनखंड कर देना है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए हमने पूरा पूरा कर दिया है। सो गाइस आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 15वां आ जाता है, एक घन आपकी बीमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। इस घन आपके अंदर 6 सेंटीमीटर वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। सो गाइस इसके देख लीजिए जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको घनाभ का आयतन का सूत्र रख देना एल गुणे बी गुणे एच। सो गाइस ये रख देंगे आप, फिर मान रख देना, इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 216 फिर आ जाएगा 450। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15वां का। फिर गाइस 16वां आ जाता है, 16वां गाइस आपका जो है ये आकृति दी हुई है आपको ROR S। सो गाइस यहाँ पर OP जो दिया हुआ है OP यहाँ पर 2x+4 और जो AOS रेखा दी हुई है इसमें 3x+1। सो गाइस इसमें x को मान ज्ञात करना है। सो गाइस x का मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। सो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने पूरा हल कर दिया है, इसमें x का मान जो है 3 आ जाएगा। सो गाइस चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए 17वां क्वेश्चन है। 15,000 अंकित मूल वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है, बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सो गाइस यहाँ पर बट्टा बराबर हो जाएगा अंकित मूल माइनस विक्रय मूल और बराबर 15,000 - 14,400 आपका हो जाएगा आंसर। और बट्टा प्रतिशत का सूत्र रख देना तो गाइस आपका बट्टा प्रतिशत आ जाएगा 4%। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4%। चलिए अब 18वां देख लेते हैं फटाफट, आपके पास जो है टाइम बहुत कम है इसलिए जल्दी से जल्दी देखते चलिए। यहाँ पर ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन, वाई बराबर -2 के लिए व्यंजक ज्ञात करना है आपको। सो गाइस यहाँ पर जो ये समीकरण दिया हुआ है इसमें आपको y का मान रखना है। सो गाइस y का मान -2 रखना है। सो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 21। सो गाइस फिर आ जाता है 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन में आपको इस समीकरण को हल करना है। सो गाइस देख लीजिए हमने हल कर दिया है, आपका जो आंसर आ जाएगा x बराबर -5/11। सो गाइस फिर 20वां आ जाता है, 20वां निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। जो AOB जो क्वेश्चन दिए हुए इसमें अनुपात में संख्या दी हुई है इसको प्रतिशत में बदलना है। सो ए क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 75% और बी का हो जाएगा 66 / 2/3। सो गाइस आपका 20वें का आंसर हो जाएगा। चलिए अब 21वां देख लीजिए, ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा गाइस आपका 22वां क्वेश्चन। सो गाइस ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर गाइस ये आ जाता है आपका 24वां क्वेश्चन, देख लीजिए जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास जो है टाइम बहुत कम है। सो गाइस हमने 20 क्वेश्चन जो 20वां तक है आपके पूरे क्वेश्चनों के हल करा दिए। सो गाइस अब आपको जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने आपके हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर आपको बता दिया। जल्दी से अब आपको 21वें 22वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगा। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।